राजपुरोहित शिक्षा विकास समिति बावतरा ने 100 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। सायलापुर क्षेत्र के बावतरा ग्राम में कुबड़ माता मंदिर प्रांगण में रविवार को राजपुरोहित शिक्षा विकास समिति बावतरा द्वारा 13वां प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन पूर्व IAS श्याम सिंह राजपुरोहित के मुख्य अतिथि व पूर्व मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते तहसीलदार राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, प्रधान अध्यापक नैन सिंह राजपुरोहित वीराणा व RLP युवा नेता थान सिंह डोली मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज माँ सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कुल 100 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में RLP नेता डोली ने कहा कि समाज विकास में शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। संस्कार युक्त शिक्षा मनुष्य को महान बनाती है। वह कहा कि समाज को संगठित होकर रहना चाहिए। वहीं तहसीलदार राजेंद्र सिंह ने सभी प्रतिभावान छात्रों को लक्ष्य रखकर पढ़ाई करने की बात कही। इसी तरह पूर्व मेजर जनरल राजपुरोहित ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बिटिया पढ़ेगी तो दो घरों को रोशन करेगी व मोबाइल से दूरी रखने की बात कही। मुख्य अतिथि श्याम सिंह ने प्रतिभाओं को मन में लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने की बात कही। वहीं कहा कि अगर मन में लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ेंगे तो सफल जरूर होंगे। मन में कभी भी हार नहीं माननी है। कार्यक्रम का मन संचालन सैन सिंह राजपुरोहित व थान सिंह डोली सराणा ने किया। कार्यक्रम के दौरान जोर सिंह राजपुरोहित वीराणा, गोम सिंह उप सरपंच, बाबू सिंह, वसंत सिंह, तेजराज सिंह, जबर सिंह राजपुरोहित, भोपाल सिंह राजगुरु, जोगराज सिंह, एडवोकेट प्रवीण सिंह, दान सिंह, शंकर सिंह मत्तर, खीमराज सौंथुआ, शांतिलाल सौंथुआ, दीप सिंह, मंगल सिंह राजपुरोहित सहित कई ग्रामीण व प्रतिभाएं मौजूद रही। आज जब देखते हैं दोरों की धरती से एक छोटे छोटे गांव डाड़ियों से हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में, सीता कुमारी पुत्र श्री मांगीलाल जी जिनका बारी के अंदर 93.60% प्राप्त हुआ है, जोरदार ताली बजाकर हौसला अफजाई कीजिए। बनना बेटे अच्छा।